जो कहते हैं कि हिंदी अब धीरे धीरे गायब हो रही है, हिंदी में अब वो रुतबा नहीं रह गया है, वो बात नहीं रह गई, तो उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए दिव्य प्रकाश जी की किताबें जो वो लिखते हैं नई वाली हिंदी की स्टाइल में। जी हाँ, नई वाली हिंदी एक टर्म दिया है बाकायदा दिव्य प्रकाश जी ने, और दिव्य प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्य जी, आप नई वाली हिंदी एक नया टर्म लेकर के आए हैं जो मतलब हिंदी को एक अब नई शान दे रही है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नई वाली हिंदी के साथ ऐसा था कि हम लोगों को एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो हम लिख रहे थे हिंदी, उसमें थोड़ी जो कैंटीन वाली भाषा होती है, जो थोड़ा एक अंतरंगता होती है ना दोस्ती यारी में, जैसे हम बोल रहे हैं, तो उसको पहले ये नहीं माना जाता था कि ये लिटरेचर है। तो हम लोगों ने क्या कोशिश की, जो कैंटीन वाली भाषा थी, जो आम ऑफिस की बोलचाल की भाषा होती है, उस पर किताबें लिखना शुरू कर दिया उस तरीके से। और अब इस पूरे इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा टर्म नहीं था कि जैसे अब ये पुरानी वाली हिंदी जैसी तो नहीं थी, जैसी किताबें पढ़कर हम लोग बड़े हुए वो तो नहीं था, तो हम लोगों ने एक नई वाली हिंदी टर्म दिया और जो बहुत पॉपुलर हुआ लोगों में, जो कई 20 साल के यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जैसे कई बार होता है ना चाय की टपरी में जो एक आप नहीं कुछ भी बोल देते हैं, तो हम लोगों ने किताबों में वो कुछ भी बोला और लोगों ने पहली बार ऐसा समझा कि कोई लेखक नहीं बोल रहा, कोई दोस्त हमसे बात कर रहा है, तो इस वजह से बहुत पॉपुलर हुआ और यही कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी किताबें पढ़ें। लेकिन एक लड़ाई भी चलती है देखा जाए कि हमें, हम स्ट्रेस देते हैं कि नहीं हमें साहित्यिक हिंदी ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी चाहिए, उससे हमारी भाषा वोकैबुलरी और स्ट्रांग होती है, लेकिन नई वाली हिंदी ज़्यादा सरल है, लोग उसे ज़्यादा समझते हैं और उससे ज़्यादा जुड़ते भी हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि अब जो भाषा सरल है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो वो जानना चाहते हैं, उसकी भाषा में उसके तरीके से बात कर रहे हैं, तो उनको कोई हैवी चीज़ नहीं लगती है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे लिए काम की, कि कोई हिंदी भाषा सीखने के लिए भाषा नहीं सीखता ना, उसको कहीं पे काम नहीं आती। जो मीडिया में जो मेरे दोस्त हैं अदरवाइज भी, वो खुद सीख लेते हैं, ज़बरदस्ती हम थोप नहीं सकते ना कि सबको ये सीखना है, जैसे आप सबको करते हो बात गड़बड़ जाती है। लेकिन आप अपने बारे में जानना चाहते हो, तो हमारी कहानियाँ जो नई वाली हिंदी है वो ये करती है कि इस जनरेशन को, जो करंट जनरेशन है, जो उनकी एक एंग्जाइटी है, जो उनकी एक समस्याएँ हैं, उनको बहुत हल्के फुल्के ढंग से उनसे दोस्तों की तरह बात कर पाए और कुछ उनके मुद्दे सुलझा दे और कुछ मुद्दों में उनकी समझ बेहतर कर पाए। और कहीं ना कहीं ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग सब लोग ये कोशिश में है कि दुनिया थोड़ी सी बेहतर बने, नई वाली हिंदी वही एक कोशिश है। एक कोशिश है बिल्कुल सर। अभी आपको बोलते हुए हमने देखा, आपका सेशन देखा, जो हिंदी के जो साहित्यकार होते हैं और जो लिखते हैं इस तरह के नॉवल्स, वो थोड़े गंभीर होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मस्त मौला बिंदास अंदाज के, ये कैसे? अब हमें यही आता था ना, तो इसलिए जो हमें आता था वही हमने किया। असल बात क्या है कि हम लोग अगर हम भी अपने से जस्ट 15 साल पहले वाले राइटर्स की तरीके से लिखते, तो हम लोग एक उनकी नकल बन के रह जाते, हमारा क्या होता उसमें। तो हम लोगों की कोशिश यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें लेके, ऐसी चीज़ें लेके आए कि कोई भी बोले और बोले कि अरे यार ये मेरी कहानी कह दी तुमने, और बिल्कुल वैसे ही कही जैसे मैं हूँ। तो हम लोगों ने वो कोशिश की, तो वो बैरियर तोड़ दिया। जैसे क्या था उससे पहले कि एक लिखने वाली हिंदी अलग थी और एक बोलने वाली हिंदी अलग थी, तो हमने बोलने वाली हिंदी को ही लिख दिया, तो वो एकदम से लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। बिल्कुल, जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं लिखने की, तो लिखते लिखते हम लोग जब इजी लैंग्वेज में अगर हिंदी लिख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये इतना अपीलिंग नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिटरेचर का वर्ड यूज़ नहीं किया है। लेकिन आपकी हिंदी अब ऐसी है कि दूसरों के लिए भी वो रास्ता खुल रही है कि हाँ तुम भी अब कहानी लिख सकते हो, तुम्हें ज़रूरी नहीं कि उसमें क्लिष्ट हिंदी का ही यूज़ करना हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी का कहीं पर कुछ पहुँचती नहीं है ना बात, आप उसको करोगे क्या? जिनको जानना होता है, जिनको प्रोफेसरी करनी है, जिनको अपना काम करना है भाषा में, वो लोग सीखें। लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए ना कि अरे नहीं, ये वही वाली बात है ना कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप जीरो पे आउट नहीं हो सकते, है ना? आप भाई आप बेसिक भी खेलते हो ना, तब आप अच्छा खेलते हो, तो ऐसा कोई शर्त नहीं रख सकते ना कि जो सेंचुरी बनाएगा वही टीम में रहेगा। तो ये वैसे ही है नई वाली हिंदी कि आसान है, आप जैसे हैं वैसी कहानियाँ आपको मिले और आप अच्छे से अच्छे तरीके से उसमें मज़ा ले पाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट है वेब सीरीज़ का, यूट्यूब का, कि आप उसमें किताब पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो रोक के रखे कि आप सब कुछ बंद करके वो कर पाएँ। और वो तभी हो सकता है जब हम पढ़ने वाले के बारे में कहानियाँ करेंगे, और पढ़ने वाला कौन है? वो नए लोग हैं, वो सारी नहीं बात, इसलिए नई वाली हिंदी उसका एक अच्छा विकल्प बन के आया है कि हाँ लोगों को अच्छा लग। अगर देखा जाए तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स में जो मिलता है एक अलग से स्टेज मिलता है, वो जो इंग्लिश नॉवल राइटर्स रहते हैं उनको मिलता है, चेतन भगत को ले लें या किसी और को ले लें, तो क्या आप ये भी एक कॉम्पिटिशन मानते हैं कि अगर हम इस तरीके से उनको पीछे छोड़ सकते हैं कि हाँ हम अपनी हिंदी से भी बात कह पाएंगे और कुछ अच्छा भी लिख पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग के दिमाग में ये चीज़ चलती है कि क्योंकि अगर जैसे जितना हिंदी कंज्यूम होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, चाहे वो अखबार हो चाहे मीडिया हो, अगर उस स्केल पर अंग्रेजी में तो कंज्यूम होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग की रिक्वायरमेंट तो है हिंदी वाली। लेकिन हम लोग अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं कई बार ना कि हम वोकैबुलरी सीख लें,
कुछ हम दो चार चीज़ें जान ही जाएँ, वर्ड जान जाएँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है कि जितनी तेज़ी से लोग हिंदी ओपन माइक रीइन्वेंट हुआ है, कहानियाँ लोग सुना रहे हैं, इसका बहुत बड़ा क्राउड होगा। और मेरा सपना ये है कि अभी से 5 साल बाद कम से कम हिंदुस्तान में 10 या 15 राइटर ऐसे हों जो हिंदी लिख के अपना घर चला रहे हैं और रिस्पेक्टेबल घर चला रहे हों अच्छे से, ये नहीं कि वो स्ट्रगल कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी का जो वो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाए। आपको ये ना मतलब जैसे लोग हम लोग बताते हैं ना कि अरे क्या करते हो, बताते किताब लिखते हैं, कहते नहीं वो तो ठीक है लेकिन करते क्या है, तो वो करते क्या हो वाला सवाल खत्म हो जाए, हम लोग उस पर और फोकस कर पाएं। जो साल जो किताबें लिखने में 1.5 साल लगता है वो हम 6 महीने में लिख पाएं, और अगर 1.5 साल में लिखें तो और डूब के लिखें और उसके लिए रिसर्च के लिए टाइम दें। अदरवाइज अभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा नॉस्टैल्जिया में इसीलिए नए राइटर्स लिखते हैं क्योंकि हमारे पास नया जीने को नहीं होता है। तो वो कोशिश है कि हम उसको आगे लेके जाएं। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जैसे ना आप डॉक्टर बनने के लिए आपने लाइफ के 6-8 साल लगा देते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग और 1 साल की कोचिंग लगा देते हैं, राइटर उससे कुछ आगे की चीज़ है ना, तो आपको लाइफ में 10 साल लगा के सोचना नहीं चाहिए कि रिटर्न आएगा, ये फिक्स डिपॉजिट है, रिटर्न आएगा तो बहुत आएगा और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो वैसे कह सकते हैं रिस्क टाइप ही है, रिस्क तो हर चीज़ में है ना, सड़क में चलने में भी रिस्क है, लेकिन राइटिंग में कम से कम क्या है ना कि आपका हर बीतते दिन के साथ, जैसे डॉक्टर का स्किल बढ़िया होता जाता है वो तुरंत इलाज कर लेता है, वैसे राइटर के साथ भी ना आप जो चीज़ सीख गए वो भूल थोड़ी ना जाएंगे, तो आप बेटर होते जाएंगे। और इतने मीडियम खुल गए, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इतने मीडियम है आज की डेट में लिखने के। अभी ऑडियो बुक्स का आ रहा है टाइम, अभी ऐप्स का आ रहा है टाइम, तो इतना ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ा भी ठीक लिख लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको लिख के पैसा ना कमा रहे हो रिस्पेक्टेड। तो इंजीनियरिंग MBA एंड देन हाँ, तो लेकिन अब नहीं लगा मन, और ये सबसे अच्छी बात यही है ना कि आपका नहीं मन लगा तो आप फिर भी एक अल्टरनेट रास्ता देख सकते हैं। आप उस बच्चे का सोचो, अगर मैं सोचता हूँ कि दिव्य प्रकाश 20 साल का होता और मुझे समझ में आ जाता तो मैं शायद 5 किताबें और लिख चुका होता ना, तो मैं तो लेट हूँ लाइफ में। लेकिन उसका फंडा ये है कि जब भी आप वही होता ना, जब आपकी आँख खुले तभी सवेरा है, देर आए लेकिन दुरुस्त, देर आए तो दुरुस्त आए। तो वैसा ही है कि जब आपको समझ आए तो हमेशा राइटिंग आपके लिए खुली है, और आपकी कोई भी फील्ड आपको वो एक्सपीरियंस देती है। जैसे मेरी बहुत सारी कहानियां इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों पे बेस्ड हैं, उनके वर्ड पे बेस्ड है, जो वो नौकरी करते हैं तो कैसे उनकी बैंड बजती है उस पे बेस्ड है, तो आपको वो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं आपके कहानीकार बनने में मदद कर रहे होते हैं। सर, तो कहा जा सकता है कि जो लेखक होते हैं वो जो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं वही उनकी कहानियाँ बयां करती हैं। वो शुरू में तो ऐसा होता है, जैसे शुरू में हर राइटर अपनी ही कहानियाँ फेंट रहा होता है, आसपास की फेंट रहा होता है, अपनी उन्हीं से निकाल रहा होता है, उनसे मिल रहा होता है, पर धीरे धीरे जैसे राइटर बड़ा होता जाता है और मेच्योर होता जाता है वो इमेजिनेशन पे भी निर्भर होने लगता है। और यही टैलेंट होता है जो बड़े लेखक हुए हैं दुनिया में, कि वो जो जो उनकी रियलिटी नहीं है उसको भी अपनी रियलिटी बना लें, यही टैलेंट है। तो शुरू में हर 4-5 किताबों के बाद ही किसी को जज करना शुरू करना चाहिए। वो बोलते हैं कि अगर किसी को देखना है तो 3 फिल्मों के बाद से उसको देखो, ताकि आपको पता चले कि उसने वो आपका असली टैलेंट है एक्चुअली, क्योंकि 3 फिल्मों 4 किताबों तक का मसाला हर किसी के पास होता है, आप थोड़ा सा भी एनर्जी फोकस करेंगे तो आप कर लेंगे। आपने फिल्म का जिक्र किया है, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टोरी टेलर होते हैं और जो लेखक होते हैं वो फिल्म के डायरेक्शन में भी कूदते हैं और स्क्रीन प्ले भी करते हैं, तो क्या आपका ऐसा कुछ आगे का फ्यूचर? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म डायरेक्ट तो करूँगा, और कब जब खूब सारा पैसा राइटिंग से आएगा ताकि मेरे को कोई मना ना कर पाए तो मैं अपनी फिल्म शायद प्रोड्यूस भी करूँ और डायरेक्ट भी करूँ कभी फ्यूचर में, लेकिन मन तो बहुत है। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ऐसे ही कि आप ऐसे नाम रोशन करें, और जो रायपुरियंस हैं जो वो भी चाहते होंगे कि आप कुछ मैसेज दें, क्योंकि ज़रूर आप एक आइडियल की तरह हैं उनके लिए, कि जो नॉर्मल हिंदी में बोलते हुए भी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा रायपुर की जनता को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और किताबें खरीद के पढ़ें, और आपको अच्छी या बुरी लगे किताब तो राइटर को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका अच्छा फीडबैक और बुरा फीडबैक या जैसी भी आपको लगी वो हर तरीके से राइटर को मदद करता है आगे बेहतर किताबें लिखने में। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, अगर कोई आपको किताब अच्छी लगी तो चुप नहीं बैठ जाएं, उसके बारे में शोर मचाएं। जैसे कोई चुटकुला अच्छा व्हाट्सएप पे आता है तो आप 10 जगह फॉरवर्ड करते हो, तो किताबें आपको 40 जगह करनी चाहिए फॉरवर्ड। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिव्य प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि अगर आपको कोई बुक अच्छी लग रही है तो आप उसे पढ़ें भी और साथ ही साथ उसे फॉरवर्ड भी करें, ताकि आप तो मोटिवेट हो, दूसरे भी मोटिवेट हो, और वो जो राइटर है उन्हें भी उनका जो जो लिखा हुआ है उसके बारे में जानने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकांक्षा पांडे, IBC24 रायपुर।